और जनरली स्पीकिंग जो लोग ना लोगों को एक्सक्यूजेस देते हैं ना, दे आर गुड हार्ट पीपल, वो ना बड़े अच्छे दिल के लोग होते हैं। तो जो हौसले जन है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों पे हौसले जन रखना। क्लोजिंग योर आइज ऑन पीपल्स फॉल्ट्स, दिस इज वॉट वाइज पीपल डू, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। मोहम्मद इब्न सीरीन रहिमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े ड्रीम इंटरप्रेटर हैं, ठीक है, मुअब्बिर बहुत बड़े हैं। इनके पास एक शख्स आया, इनके पास ना कोई भी अगर शख्स आता या किसी भी महफिल में बैठे होते तो किसी शख्स का बुरा जिक्र होता ना, तो हमेशा उस बंदे की क्वालिटीज़ को उस महफिल में मेंशन किया करते थे। किसी बंदे का नेगेटिव जिक्र आ रहा है, हमेशा उस बंदे की पॉजिटिव्स को उसमें जिक्र किया करते थे, ताकि लोगों का अच्छा गुमान पैदा हो मुसलमान भाइयों के बारे में। आज के बाद मैं और आप ये करेंगे इंशाल्लाह, इरादा करेंगे जब भी किसी बंदे की हिबत हो रही, बुराई हो रही हो, मैं इंशाल्लाह उस बंदे के पॉजिटिव्स बयान किया करूँगा अपनी उस महफिल में। वहाब इब्ने मुनब्बे रहिमहुल्लाह, इनके पास कोई शख्स आया और कहा कि आपके बारे में ना फलां शख्स फलां कह रहा है, तो कहते हैं कि शैतान को तुम्हारे अलावा कोई मैसेंजर नहीं मिला ये बात मेरी तरफ पहुंचाने में, शैतान को सिर्फ तुम ही मिले हो ये मेरी बात, ये उसकी बात मुझ तक पहुंचाने के लिए, और कोई नहीं मिला। हाउ बैड ऑफ यू कि सुभानअल्लाह शैतान को सिर्फ तुम ही मिले हो, बल्कि उसको रिव्यू करते कि तुम क्यों ये बातें वहाँ की वहाँ कर रहे हो। खालिद बिन वलीद के बारे में के पास एक शख्स आया और कहा कि खालिद आपके बारे में फलां शख्स ये बात कह रहा था, तो क्या कहा, अल्लाह दे वर वाइज पीपल, कहा कि दिस इज हिज बुक, लेट हिम राइट व्हाट एवर ही वांट्स, ये उसका माल नाम है, इसको लिखना जो मर्जी लिखता है, व्हाई यू टेलिंग मी, मैं क्या करूँ। इमाम शाफी फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसका उसकी जो एंडिंग है, उसका जो खात्मा बिल खैर हो, ही शुड हैव हुस्न ज़न विद पीपल, ही शुड हैव दिस क्वालिटी ऑफ हुस्न ज़न, एंड दे नेवर यूज टू आर्ग्यू विद पीपल। हाँ, इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह, दे वर गुड ग्रेट डिबेटर्स, लेकिन दे वर जायंट्स, दे वर जायंट्स, दे वर उलमा, दे यूज्ड टू, अक्सरियत वो अवॉइड करते थे, कभी कभी अगर हक और बातिल की बात आ जाती तब वो बहस मुबाहसा करते थे। यू नो इल्म इज नॉट फॉर आर्ग्यूइंग और डिबेटिंग, इल्म इज फॉर अमल। जो बड़े बड़े उलमा है ना, वो आज भी दे डिबेट, दे अवॉइड डिबेट्स। हिम्मतुल आलिम अल अमल व हिम्मतुल जाहिल अल रिवाया, एक आलमी की हिम्मत क्या होती है कि मैं अमल ज़्यादा करूँ, और एक जाहिल की हिम्मत क्या होती है कि मैं बस डिबेट्स और आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करूँ। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया और कहा कि आप उसे डिबेट करें, उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा क्योंकि अगर मैं ठीक हुआ और आप गलत हुए तो आप मेरे मनहज पे आ जाना, मेरे दीन पे आ जाना। उन्होंने कहा अगर मैं ठीक हुआ, उन्होंने कहा तो मैं आपके दीन पे आ जाऊँगा। कहते हैं अगर हम दोनों ने किसी और शख्स से बहस की और वो ठीक हुआ और हम दोनों गलत हो गए, कहते हैं हम उस बंदे के दीन पे चले जाएंगे। कहते हैं कि यू आर अ पर्सन हु हैज़ वीक फाउंडेशन, वीक दीन, यू आर हॉपिंग फ्रॉम हेयर टू देयर, आई नो माई दीन। तुम किसी ऐसे इंसान से जाके बात करो, बहस करो जिसका शेकी दीन हो तुम्हारी तरह का, जाओ उसे जाके बहस करो कि तुम इकट्ठे हॉप करते रहो। आई नो माई दीन, आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह आप हक की बात हो कहीं और बातिल फैल रहा हो तो आप वहाँ बात ना करें, यू कैन, बट फोकस मोर 90% अटेंशन और इबादत एंड 10% और मे बी 5% ऑन रिप्लाइंग एंड इन्वॉल्विंग इन टू डिबेट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज इट हार्डन्स द हार्ट। दीन काम करें और अपने अमल पर फोकस करें इंशाल्लाह। तो बहस में मुबहसे ना पड़े। लोग असर इल्म क्यों सीखते हैं कि मैं बहस करूँगा, मैं फलां को गलत प्रूव करूँगा, मैं खुद बड़ा, लोग कहेंगे क्या नॉलेज इस बंदे के पास। जो शख्स इस नीयत से इल्म हासिल कर रहा है ना, वो जाहिल है सबसे पहले तो, और दूसरा उसके तमाम आमाल शायद ज़ाया हो जाए अल्लाह ताला के यहाँ, क्योंकि ये जो इल्म का मकसद ही नहीं है, इल्म का मकसद है अमल में बढ़ना और तकवा में बढ़ना। अगर एक इंसान इल्म सीख रहा है और वो उसका अखलाक बुरा होता जा रहा है और उसका तकवा नहीं बढ़ा, दैट मीन्स कि उसका जो इल्म है ना वो कुछ गलत, उसका इल्म नाफ़े नहीं है, उसका इल्म इल्म ला यनफा है, ऐसा इल्म है विच इज़ नॉट बेनिफिशियल एट ऑल। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, कि ये जो है ना, ये अखलाक, किरदार, बात करना, हाउ दे यूज़ टू गिव चैरिटी, हाउ दे यूज़ टू प्रे, हाउ देयर इंटेंशंस वर, बीवी से अखलाक, लोगों से अखलाक, दिस इज़ ऑल दीन, दिस इज़ आर दीन, दिस इज़ आर वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमारी वर्शिप सिर्फ नमाज, तहज्जुद, कुरान नहीं है, हमारा लोगों के साथ डीलिंग ही हमारी वर्शिप है, हमारा लोगों के साथ अखलाक, किरदार, मामलात, ये हमारी वर्शिप है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इन मामलात को बेहतर करें और अल्लाह ताला से तौफीक का सवाल करें कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लोगों में से बनाए और ऐसे लोगों में से बनाए। एक दुआ बड़ी कमाल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अजअलनी सुबूरा वजअलनी शुकूरा वजअलनी फ़ी आइनी सगीरा व फ़ी आइनी नास कबीरा, या अल्लाह मुझे साबिर बना और मुझे शाकिर बना और मुझे अपनी आंखों में छोटा बना और लोगों की आंखों में बड़ा बना।
कि मैं अपने आप को ना, मैं ये डायलेमा ऑफ ग्रैंडियोसिटी में ना हूँ कि आई एम समथिंग ग्रैंड, नहीं, अपने आंखों में मुझे ज़्यादा छोटा बना दे कि मैं अपने आप को कुछ तोप ना समझो, कुछ चीज़ ना समझो, और लोगों की आंखों में मुझे बड़ा बना दे। दिस इज़ ट्रू रिस्पेक्ट। ये क्या रिस्पेक्ट है कि इंसान अपने आप को कोई पता नहीं 30 बार खान समझ रहा हो और लोगों के दिलों में से रिस्पेक्ट ही ना हो। तो ये दुआ कसर से मांगें कि अल्लाह मज अली सबूरा वज अली शकूरा, कि अल्लाह मुझे सब्र वाला बना, मुझे शुक्र करने वाला बना। वज अली फ़ी आईनी सगीरा फ़ी आईनी नासा कबीरा, मुझे अपनी आंखों में बहुत वीक मीक और कमज़ोर ही बना के रख, लेकिन लोगों के नज़र में मेरी रिस्पेक्ट और इज्जत रख। क्योंकि आजकल के दौर में ना जो एक नार्सिसिज्म का जो फितना है ना, और अपनी सेल्फ प्रेज एंड सेल्फ लव का जो फितना है, ये बहुत फैल चुका है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और हम सब को बहुत कुछ सीखने की तौफीक दे बिफ़ज़लिल्लाहिल करीम। जी मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ और इंशाल्लाह ताला हम इस सेशन को फिर एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर आमना शाहिद फॉर पोस्टिंग दिस दुआ। ये आप लोगों के लिए है, जस्ट टेक मे बी स्क्रीन शॉट्स और सर्च दिस दुआ ऑन गूगल, आप इसको याद कर लें इंशाल्लाह, और इसको सजदे में तशहुद के बाद सलाम फेरने से पहले और अपनी नमाजों में मांगा करें इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला हमें बेहतरीन इंसान बनाए। जी जाकर फॉर क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई वांट यू टू आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस। यस, जो लोग अपने आप को ठीक प्रूफ करने में और लोगों को गलत प्रूफ करने में लगे हुए हैं, देखिए अगर तो वो हक पे हैं और दीन की सही बात कर रहे हैं और उनमें ये सेल्फ बोस्टिंग को और वो चीज़ नहीं है, अपने इल्म को नहीं झाड़ना चाह रहे, अल्लाह ताला हालात दिल के बेहतर जानते हैं, तो फिर तो इंशाल्लाह वो अजर पे होंगे। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि वो कितना जो है ना, देखिए उमर बिन खत्ताब कहा करते थे कि डोंट हेल्प शैतान बाय उसकी इस्लाह करना, बाय करेक्टिंग हिम और बाय रिब्यूकिंग हिम इन पब्लिक, रादर अपने भाई की इस्लाह करो प्राइवेटली, एंड डोंट हेल्प शैतान इन प्लेइंग विद हिम।